और राज्य सरकार आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है, जिससे कि निरोगी राजस्थान का सपना साकार हो सके। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े जिला चिकित्सालय में इन दिनों लगातार लापरवाही का आलम देखा जा रहा है, जिसमें जिला महिला एवं बाल चिकित्सालय में जिले की बड़ी सादड़ी उपखंड की डुंगला तहसील के एक गांव नाड़ाखेड़ा की महिला को प्रसव के लिए सवेरे वार्ड में भर्ती कराया गया, जिसका HBC लेवल बहुत कम होने के बावजूद भी शाम को लेबर रूम में ले जाया गया, जहां पर जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। वहीं इसके बाद चिकित्सक और लेबर रूम का स्टाफ मामले को दबाने का लगातार प्रयास करता रहा और चोरी छुपे डरा धमका कर महिला के शव और परिजनों को रवाना कर दिया। वहीं मृतका के परिजनों ने मामले में लापरवाही करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार जिला राजकीय महिला एवं बाल चिकित्सालय में 25 मई शनिवार को सवेरे बड़ी सादड़ी उपखंड के डुंगला क्षेत्र के नाड़ाखेड़ा निवासी कैलाश बाई पत्नी माधव भील को प्रसव के लिए सवेरे भर्ती कराया गया, जिसका HBC लेवल 4 के आसपास आ रहा था, जिस पर चिकित्सालय प्रशासन की ओर से महिला को लेबर रूम में प्रसव के लिए ले जाया गया, जहां पर चिकित्सा और लेबर रूम के स्टाफ की लापरवाही के चलते प्रक्रिया के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। इसके बाद इस पूरे प्रकरण सूचना मिलने पर जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तो चोरी छुपके से महिला के शव को आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम किए डुंगला के लिए रवाना कर दिया। उसके बाद जब मीडिया कर्मी ने लेबर रूम के स्टाफ से मामले की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया तो लेबर रूम के स्टाफ ने मामले को टालने का प्रयास किया और मीडिया कर्मियों को भी पूरे मामले से दूर रहने का प्रयास किया। वहीं मृतका के परिजनों ने बताया कि इस पूरे मामले में चिकित्सालय प्रशासन की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है, जिसमें सवेरे महिला को वार्ड में भर्ती करने के बाद भी कई घंटों तक उसका उपचार भी शुरू नहीं किया गया और ना ही ब्लड चढ़ाने की व्यवस्था की गई, और शाम को लेबर रूम में ले जाकर प्रसव करने के समय जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। वहीं मृतका के परिजनों ने पूरे मामले में दोषी लेबर रूम का स्टाफ और चिकित्सक पर कार्रवाई करने की मांग की है। अभी को हम चित्तौड़ लेके गए थे, समय पर उन्होंने उपचार नहीं करने के कारण, वह समय पर ब्लड नहीं देने के कारण ये घटना हुई। हम परसों ले गए। हम यही चाहते हैं सर कि डॉक्टरों की लापरवाही को सुधारे और इनके 5-6 बच्चे हैं, इनको न्याय दिलाने की कोशिश करें।